सुप्रभात बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। हमारी कहानी का नाम है घमंडी पेड़। क्या नाम है बेटा? घमंडी पेड़। तो आइए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक पेड़ और एक झाड़ी पास पास खड़े थे। ये देखिए, ये एक झाड़ी है और ये एक पेड़ है। पेड़ था घमंडी और झाड़ी थी सीधी सादी। पेड़ कैसा था? घमंडी और झाड़ी सीधी सादी। पेड़ कहता है, मैं सबसे ऊंचा और ताकतवर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर झाड़ी कहती है, इतना घमंड ठीक नहीं, बलवान से बलवान को भी एक दिन गिरना पड़ता है। तब तेज हवा चलती तो सीधी सरल झाड़ी तो झुक जाती, किंतु पेड़ छाती ताने हंसता रहता। ये देखिए, पेड़ हंस रहा है, हा हा हा। बारिश होने पर भी ऐसा ही होता, पेड़ फिर हंसता, हा हा हा। एक दिन बहुत तेज आंधी चली, तू झुक जा झाड़ी, मैं नहीं झुकूंगा। आंधी और तेज हुई, जिद मत करो पेड़ भाई, थोड़ा झुक जाओ। आंधी जैसे ही तेज होती है तो झाड़ी कहती है पेड़ को कि पेड़ भाई, जिद मत करो, थोड़ा झुक जाओ। तभी पेड़ झाड़ी का कहना नहीं मानता और तेज आंधी से टूटकर गिर जाता है। ये देखिए, आ आ। अब देखिए, आंधी के रुकने पर जब झाड़ी ने आंखें खोली तो पेड़ टूटकर नीचे गिरा पड़ा था। आ आ। ये देखिए, पेड़ नीचे गिरा हुआ है और दर्द से कर रहा है आह आह। तभी झाड़ी कहती है, मैंने कहा था ना पेड़ भाई, थोड़ा झुक जाओ। तुम सही कहती थी, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो झाड़ी के ऐसा कहने पर पेड़ कहता है कि झाड़ी, तुम सही कह रही थी, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी पुस्तक में कहानी को पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।